इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है, और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर, मैं अरवल की घटना का, वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था, ये रामजीत पासवान जी की, उनकी धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर 5 साल की बच्ची को सर अपनी माँ के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्ध नग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही है। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द, 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को सर। आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और CBI जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज़।